करनाल के डॉक्टर मंगलसेन ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी निशांत कुमार यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने करनाल जिले के सभी स्कूल मुखिया व प्राचार्यों को संबोधित किया। डीसी ने संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान बेहतर परिणाम देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए। इसके बाद उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं के बाद जिस विद्यालय का परिणाम खराब होगा उसके शिक्षक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि परिणाम खराब आने पर हेडमास्टर या प्रिंसिपल की एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले शिक्षकों को भी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने स्कूल के मुखिया व प्राचार्यों को 10वीं व 12वीं की लक्ष्य के अनुरूप परीक्षा परिणाम लाने के टिप्स देने के साथ साथ चेतावनी भी दी। देखिए एक रिपोर्ट। होते हैं वो तो मजदूरी करते हैं, तो सुबह चले जाते हैं स्कूल में, उनका आने का इंटरेस्ट नहीं होता, क्या करना उन्हें। ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम किसी तरीके से पेरेंट्स को बांध करके रखें, और इस मामले में मैं बहुत एग्री करता हूँ, डीडब्ल्यू साहब ने एक बात कही कि अगर संस्था प्रधान मान खान लेके मुझे रिजल्ट इम्प्रूव करना है तो निश्चित रूप से रिजल्ट इम्प्रूव होगा ही होगा। मतलब उसमें कोई दोहराए वाली चीज नहीं है, चाहे कितनी मुश्किलें हों, चाहे कितनी परेशानियां हों, स्कूल की बिल्डिंग की नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है, बिजली नहीं आती, सरपंच कोऑपरेट नहीं करता, फिर बच्चे भाग जाते हैं, स्कूल में बैठते नहीं, आते नहीं, कुछ भी समस्याएं हों, अगर संस्था प्रधान ठान लेगी सुधार हो सकता है, तो मैं ये नहीं कहता कि रिजल्ट 100% रहेगा, बट निश्चित रूप से 44% तो नहीं रहेगा, उससे तो बेटर ही रहेगा। आप सारे जैसे आपने कभी कॉपी चेक की होगी, मैं भी अपने पेरेंट्स को और जो हाई स्कूल के हेड्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई थी, उसमें जो उनको वो सारी चीज़ें बताई गई जिससे इमीडिएटली रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। उदाहरण के तौर पर उनको बताया गया कि वो जो मेन कोर टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कराएं बच्चों में रेगुलरली, पिछले जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका रिवाइज करवाएं, और जो कक्षाओं में कमज़ोर बच्चे हैं उनको विशेष रूप से टारगेट करके उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करके पढ़ाया जाए। तो हमारा करनाल का जो 10वीं का रिजल्ट है पिछली बार 44% था, हमारी इस बार पूरी कोशिश रहेगी कि उसको 65% तक हम लेके जाएं। इसी तरीके 12वीं का रिजल्ट 74% था, उसको बढ़ा करके हम 85% पे टारगेट करेंगे। तो साथ ही में जो हमारे पुअर परफॉर्मिंग स्कूल्स थे उनका मैंने एक एक प्रिंसिपल से रिव्यू लिया कि किस तरीके से वो आगे सुधार करने उनकी प्रयास है, और उनको क्लियरली बताया गया कि जो हमारे जब मई में रिजल्ट आएंगे तो हम इसी तरीके एक सेमिनार बाद में भी करेंगे, उसमें जो अच्छी स्कूलें होंगी उनको सम्मानित करेंगे, और जो हर ब्लॉक में जो वर्स्ट 3 स्कूल्स होंगी उनसे कारण पूछा जाएगा, और अगर कोई संतुष्टिजनक कारण ना मिला तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई कराई जाएगी, उनकी एसीआर में भी इस चीज़ की एंट्री करवाई जाएगी। सर, क्या ऐसे कारण रहे हैं कि लो परफॉर्मेंस में काफ़ी स्कूल रहे हैं, 25% से भी नीचे रहे हैं? जी बिल्कुल, जो आज की मंत्रणा में जो रीजंस जानने को निकल करके आए वो मेन तो ये थे कि कई स्कूलों में बच्चों की हाजिरी बड़ी कम है, अनुपस्थित रहते हैं, बच्चे आते नहीं हैं, पेरेंट टीचर मीट्स में पेरेंट्स नहीं आते, तो उनको हमने डायरेक्शन दी है कि वो इंडिविजुअल पेरेंट्स के मोबाइल नंबर लेकर के उनसे बात कर करके और बच्चों को मेक श्योर करें, वो गांव के राउंड्स लगा करके सरपंचों को जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व करें और ये इंश्योर कराएं कि बच्चा स्कूल में आए। अगर बच्चे की अटेंडेंस 60-70% हो जाती है तो नेचुरली उसके परफॉर्मेंस में सुधार होगा। तो क्या सब डीसी साहब अब CBSE पैटर्न पर हरियाणा बोर्ड रहेगा जो? जी, बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो तो हरियाणा एजुकेशन बोर्ड कंडक्ट करवाता है, बट उससे पहले ऑफकोर्स जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो अभी कंडक्ट हुए हैं। सक्षम की परीक्षाएं हमारी जो है 14 और 15 को 3 ब्लॉक्स की हो रही हैं, और 28 और 29 की बची हुई 3 ब्लॉक्स की हो रही हैं। तो निश्चित रूप से हरियाणा सरकार का इस पे फोकस है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभान्वित हों, और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।